हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई समय हो रहा है ठीक 7:30 बजे का। गाइस हमारे यहाँ हो रही कल शाम से भाई बहुत तेज बारिश, कभी बहुत तेज हो रही है, कभी हल्की धीरे हो जा रही, फिर तेज हो रही है, फिर धीरे हो जा रही। भाई कंटिन्यू पानी बिल्कुल जमा हुआ है, बारिश एक मिनट के लिए भी भाई बंद नहीं हुई है। और हमारे यहाँ तेज बारिश मतलब तबाही, तूफान, बहुत दिक्कत हो जाती भाई बारिश से। कल रात को भाई पूरी रात मैं सो नहीं पाया हूँ, अभी भी देखो मेरी आँख हल्की हल्की भाई सूजी सूजी है, क्योंकि भाई पानी बहुत तेज, कब हो जाए आंगन में, कब भर जाए कुछ नहीं कह सकते। तो भाई ऐसे देखते देखते पूरी रात बीत गई, पर अभी भी बारिश भाई बंद नहीं हुई है। गाइस देखो कैसे काले काले बादल छाए हुए हैं भाई, और ये अच्छी तरह से बरस भी रहे हैं। अभी हल्की हल्की सी फुहार हो गई है बारिश की, पर भाई कब तेज हो जाए कब धीरे हो जाए पता ही नहीं चल रहा। पर बादल का डेंजरपन तो देख रहे हो, ये अगले 3-4 दिन के लिए हाई अलर्ट है, और 100% पानी दिखा रहा भाई गूगल मौसम में, और वह बिल्कुल सत्य भी हो रहा है। ठीक है गाइस, घर के भाई जल्दी जल्दी सब काम निपटा कर फुर्सत हुए, उसके बाद भाई चेहरे पर दाढ़ी दिखी, तो बाहर भाई पानी में भीज भीज के काम कर रहा था, फटाफट भाई मैंने दाढ़ी भी बना ली, उसके बाद गया फटाफट नहा धोकर, भाई हो गए हैं फुर्सत, और भाई पूरी तरह से हो गए हैं तैयार ऑफिस जाने के लिए। भाई साहब का नाश्ता पानी हो गया है, और मेरा भाई प्लेट में भाई साहब ओट जो है ना उसको ठंडा कर रहे हैं चम्मच से चला चला, गरम है ना, गरम है। तो भाई साहब का नाश्ता पानी हो गया, घर का सबका नाश्ता पानी हो गया, सिर्फ मैं बचा हूं, तो फटाफट 2 मिनट में इस प्लेट को जो है ना पेट के अंदर कर लेता हूं, पानी पी लेता हूं भाई। और आज ना जूते नहीं पहनेंगे गाइस, रुको ये मोबाइल है, आज पानी गिर रहा है तो जूता नहीं पहनेंगे, क्योंकि जूते मैंने कल ही धोए भाई रगड़ रगड़ के, पूरे आधे घंटे लगा मेहनत में। तो गाइस आज सैंडल पहन के चलेंगे बढ़िया में, बरसात में सैंडल पहनने का भी अपना ही आनंद आता, तो भाई साहब सैंडल पहनेंगे, मैं भी, वो भी जुड़वा जुड़वा बहुत शानदार। तो फटाफट नाश्ता पानी फुर्सत करते, 5 मिनट के अंदर भाई यहां से बाइक उठा के सीधे चलते हैं अपन ऑफिस। गाइस फिर से आ गई है बूंदा बूंदी वाली भाई बरसात, और भाई साहब बोल रहे हैं कि रुकेंगे नहीं, इसी में चल चलते। मैंने बोला यार जाते थे भीज ना जाएंगे, गीले ना हो जाए, पूरी शर्ट चपड़ चपड़ हो जाएगी, और अभी तक भाई साहब ने रेनकोट नहीं खरीदे, बोले नहीं खरीदेंगे, ऐसे ही बीच बीच के घूमेंगे, गीला हो के घूमेंगे, सावन की झरी का मजा, सावन की झरी में मजा लेंगे। ठीक है गाइस, बहुत शानदार सफर एंजॉय करते हुए बारिश में भाई भीजते हुए, देखो मेरे पूरे चश्मे में पानी जम चुका है, और हल्का हल्का हम लोग गीले हो गए। भाई साहब सही कह रहे थे कि ये बरसात बंद नहीं होगी भाई, निकली चलो। तो हम लोग भाई मस्त एंजॉय करते हुए पहुंच गए हैं भाई ऑफिस के बगल में, तो भाई फटाफट चलते हैं ऑफिस का पूरा काम निपटा कर टेंशन फ्री होकर भाई फिर आपको ज्वाइन करते हैं। ठीक है भाई साहब, आपका पानी के कारण बह रहा है, ठीक है अभी लगा है बहुत अच्छा। तो गाइस फटाफट जाते हैं और फटाफट आते हैं। गाइस समय हो रहा है ठीक 4:45 बजे का, हमको भाई 15 से 20 मिनट आधा घंटा का भाई ब्रेक मिला है, अब भी ऑफिस से बाहर निकले और अभी भी बरसात भाई झमाझम छीसी वाली चालू है। ठीक है अब हम यहाँ से भाई ब्रेक में ना फटाफट जा रहे हैं बैंक का काम निपटाने, चेक को क्लियर करवाना है। अब कितनी देर में क्लियर होगा भाई वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा, वैसे 4:45 हो गए, 4 बजे भाई बैंक क्लोज हो जाते हैं, बैंक बंद नहीं होता, ट्रांजेक्शन बंद हो जाता है, ट्रांजेक्शन बंद हो जाता है, जितने अंदर घुस जाते हैं अपना काम कर लेते, कई बार 4:15 तक भी हो जाता है। हाँ भाई साहब बहुत जुगाड़ू और अपनी पहचान है बैंक में, तो फटाफट हो सकता है कि अपना काम हो जाए, अपन सही समय पे पहुंच जाए। तो भाई पानी पड़ रहा है पूरा मोबाइल पे, मेरे घड़ी पे, मेरे चश्मे पे, मेरे पूरे शरीर पे, मोबाइल अंदर रखो, धंधनाते हुए चले, यहां से सुनो हमको बैंक का काम निपटाती हुए फिर वापस भाई फिर से ऑफिस आना है, और फिर शाम को हम फ्री होंगे अंधेरा होने के बाद भाई सब, ठीक है ना, कब फ्री होंगे भाई कोई गारंटी कुछ नहीं कह सकते, जल्दी से गाड़ी, हो सकता है कि रात भी हो जाए। और गाइस ये पानी बंद नहीं होने वाला, ऐसे ही टुपुर टुपुर में हम आए थे, ऐसे ही टुपुर टुपुर में ब्रेक ले रहे, वापिस भी जाएंगे। सुनो गाइस हमारे यहाँ 4 दिन का अलर्ट है, यानी 4 दिन मौसम दिखा रहा है पानी गिरेगा, ठीक है भारी वर्षा की संभावना नहीं है, है ही 100% दिखा रहा था, ऐसे ही पानी में बीच बीच से काम करना पड़ेगा। गाइस हम लोग मदन महल की रोड से भाई गुजर रहे हैं, इधर वन वे है, तो पीछे ट्रक वाला बहुत हॉर्न बजा रहा है, और आगे धीरे धीरे ट्रैफिक ऐसा खिसक खिसक के चल रहा है, अब ये टेम्पो वाला जो है ना आगे से अलग ही नहीं कर रहा, हॉर्न बजा ना भाई यार, अरे वो अलग ही नहीं हो रहा, अलग ही नहीं हो रहा क्या, इधर से भी ट्रैफिक है गाइस, और इधर से भी ट्रैफिक है, ऊपर ब्रिज बन रहा है तो उसमें हदा हदा पानी छू रहा भाई मोबाइल पे भी, ठीक है अभी मेरा मोबाइल बच गया पानी में भेटते भेटते।
तो ऐसे भाई कीचड़ वाली रोड है, बड़ी सवारी चलना पड़ता है। बस वाला पॉय पॉय कर रहा है। अरे वो तो पागल कर दिया है हॉर्न बजा बजा, वो खाली रोड भी तब भी बजा। जाम लग गया यार। गाइस यहाँ देखो मदन महल की रोड में ना जाम हमेशा लग रहा है, तो भाई यहाँ गाड़ी थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाए क्योंकि एक दूसरे की कोहनी छिलने का यहाँ पर लेके को पानी यहाँ छू रहा है। हाँ भाई गाड़ी भी गिर जाती है, सही बात है। अरे पानी फिर आ गया ऊपर से, गाइस ब्रिज से बहुत तेज धार पानी छू रहा था, मैं अपना मोबाइल बचा ले रहा हूँ और यहाँ से भाई साहब ने सामने से गाड़ी खोल दी है। अब इधर से पीछे पीछे जाना पड़ेगा भाई आराम से। गाइस पूरी गाड़ी हिलोरे खाते 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 मदन महल मेन रोड पहुँच गई है। अब यहाँ पर ही संघर्ष करते करते भाई हमको आगे जाना बैंक तक, ठीक है। बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है भाई मदन महल का, तो गजब ही हाल है, बेहाल है भाई। गाड़ी संभाल के गाइस, पूरे छिट्टे पड़ गए हैं पेंटों पे। अरे मोबाइल में पानी पड़ गया। अब थोड़ी सी सांस में सांस आई, अच्छी रोड मिल गई हमको। गाइस संघर्ष करते करते भाई हम पहुंच गए फाइनली बैंक। भाई साहब फटाफट गाड़ी खड़ा कर रहे हैं, अंदर चलते हैं, आप देखते हैं कि चेक क्लियर होता है कि नहीं होता। भाई अभी इधर निकालेंगे पैसा, 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 पैसा जल्दी आ जाएगा। बैंक आने के बाद भाई साहब की स्माइल एक नंबर की हो जाती भाई, 90 इंच की स्माइल मारते हैं। फटाफट जाते हैं चेक क्लियर करा के फटाफट आते हैं। गाइस 4:04 कम थे, हम बैंक के अंदर प्रवेश कर गए। बिल्कुल खाली काउंटर था, हमने भाई साहब हो जाएगा काम, बोले बिल्कुल हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल सही समय पर हम बैंक पहुंचे, 2 मिनट के अंदर में हमारा चेक क्लियर हो गया बढ़िया से। भाई काम अपन है जुगाड़ू भाई, जुगाड़ू जुगाड़ू भाई, सही जुगाड़ू बंधु, सब जुगाड़ कर लेते हैं, सब जुगाड़ कर लेते हैं भाई। बिल्कुल सही समय पर हम हो गए हैं फुर्सत। और गाइस अब यहाँ से ना थोड़ा सा समय मिल गया, पैसा पैसा मिल गया भाई, पैसा ज्यादा मत खुश हो, पैसा पापा जी की पेंशन है भाई, जो चेक पापा ने दिया था ना भाई, पेंशन निकाल के घर पहुँचाना है। तो सुनो भाई थोड़ा सा समय बचा है, जल्दी मैं सोच रहा घर चलते हैं यहाँ से, फटाफट मम्मी को बोलते कि दाल चावल गरम कर दे, प्लेट में थाली में लेते खड़े खाएंगे और बाहरी बार भाग के आ जाएंगे। अरे बाहर बार काहे के लिए खाएं, पांव धो के अंदर चल चले कमरे में आराम से खड़े खड़े खा लेंगे, मतलब वही है। अरे वो गिद्ध भोज करना है हमको, ठीक है गिद्ध भोज करना, फटाफट खाएंगे और हाँ वहाँ से फुर्सत होंगे। तो भाई समय पे अपन घर पहुंचेंगे तो क्या है, भूख भी लगी भाई बाहर के, जितना बाहर कचड़ पचड़ खा लो पर वो मजा नहीं आता गाइस जो घर के खाने में आता है। पहुंच गए भैया घर, हाथ पांव धोकर भाई सीधे आ गए किचन में। मम्मी जी को हमने रास्ते से फोन कर दिया था, मम्मी खाना निकाल के रखना, तो भाई गर्मा गर्म लंच तैयार है। और भाई दोपहर का लंच हमारा हमेशा शाम को ही होता है। तो गाइस गर्मा गर्म थाली तैयार है, मम्मी ने दाल चावल बना था दोनों को एक में मिक्स कर दिया है, और लौकी की भाई बहुत शानदार सब्जी है, खाने से मस्त भाप निकल रही है, भूख लगी है भाई बहुत तेज। लंच करके भाई जैसे ही फुर्सत हुए है तुरंत मिल गई भाई शाम की खांटी दूध की खाकी चाय। ये देखो भाई ये मस्त गोरी गोरी चाय मुझे भी मिल गई है, भाई साहब ने पीना भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ मम्मी जी की चाय अभी चल रही है और पापा जी की चाय भी चल रही भाई, तो सबकी हो रही शाम की चाय पार्टी। और गाइस 4:35 या 40 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं घड़ी ऐसे नहीं कर सकता नहीं तो चाय ऐसी गिर जाएगी, ठीक है। तो फटाफट भाई चाय बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाँ अच्छा हुआ तुमने घड़ी नहीं देखा, नहीं तो पूरी चाय। हाँ भाई चाय गिर जाती है, पिक्चर में दिखाते हैं टाइम बताओ खट से चाय नीचे गिर जाती है, तो हम नहीं बताएंगे, हम पहले चाय पियेंगे उसके बाद टाइम बताएंगे। गाइस फटाफट चाय फिनिश करते हैं, समय बहुत कम है। गाइस समय हो रहा है 5:20 कम हो गए, फिर से तैयार पूरी तरह से रेडी हैं, सिर्फ हमें सैंडल फंसानी है, बाइक हमारी भाई रोड पे खड़ी गेट के बाहर, तो फटाफट यहाँ से भाई चलते हैं ऑफिस। गाइस आज तो भाई हर जगह जाम है, जंडे ब्रिज से जो मदन महल वाली रोड आती ना वहाँ देखो कितना लंबा जाम है, उधर मदन महल स्टेशन वाली रोड भी बंद पड़ी है और यहाँ भी पता नहीं मशीन लगी है, तो ये पूरा जाम है। मैं भाई साहब से बोल रहा था कि अंडर ब्रिज वाली रोड भैया मत आओ, पर भाई साहब माने नहीं मेरा कहना, अब जाम में हम लोग फंसे हैं। धीरे धीरे गाड़ी खिचक चल रही है और हर जगह जाम मिल रहा है, हमको किसी तरीके से 15 मिनट में पहुँचना है, जैसा 15 मिनट में हमें यहीं फंसे हो जाएगा भाई। ये भाई साहब इस रोड से ना गई हूँ, कितना जाम लगा है, देख रहे हो कितना ज़्यादा जाम है भाई, और इस जाम में हम लोग फंस गए हैं।
अब उधर वाली गाड़ी निकले तो हमारी गाड़ी निकले, लग गई घसड़ अच्छे तबीयत से। गाइस हम लोग 50 मीटर आगे बढ़ गए हैं भाई, एक ये दरिंदा ट्रक खड़ा है सीमेंट वाला, ठीक है, इसको दरिंदा ही बोलते हैं ना भैया, दानव 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 ट्रक है भाई। इसका छज्जा अज्जा पता नहीं गिर जाएगा तो गाड़ी वाली चल जाएगी, और यहाँ से भाई खिचक 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 ट्रैफिक खिचक खिचक के निकल रहा है। इस ट्रक वाले को निकलने की जगह ही नहीं दे रहे हैं लोग, ये निकले तो हमारे ट्रैफिक खोले, पीछे भी लगी घसड़ भाई बहुत ही। अब धीरे धीरे खिसका भाई ये ट्रक, और यहाँ तो भाई चारों तरफ जाम ही जाम लगा है भैया, मालूम ये देखो पूरे हो कॉलेज तक जाम लगा है, इधर इधर भी जाम लगा। गाइस ये देखो हमारे जबलपुर में सिर्फ जाम की स्थिति है, हर जगह जाम, देखना भैया शेर बचा के। ये देखो गाइस ये दानव ट्रक है, समझ रहे हो। अब इस ट्रक के हम आगे बढ़ चुके हैं, अब हमको धीरे धीरे करते करते हम निकल जाएंगे। पचड़ मच गई दादा। ये देखो अब कीचड़ वाली रोड से निकलना पड़ेगा, देख रहे हो। अब हमने ये वाली रोड से शॉर्टकट मार दो भैया, मालूम अंदर ही अंदर गाइस गली गली निकल जाते हैं, मेन रोड पे जाने ही नहीं, खतर मची पड़ी है मेन रोड पर। ये देखो ये ब्रिज का काम जो चल रहा है ना, पता नहीं कब खत्म होगा हमारे। हाँ यार ये तो दिख तो रही है कुड़िया, हाँ हाँ निकल जाएगी निकल जाएगी। बड़ी मुश्किल से भाई ट्रैफिक से हम लोग बाहर निकले हैं, बस मुश्किल से 2 मिनट में हम लोग ऑफिस पहुँचने वाले। भाई सब हॉर्न बजा बजा के बिल्कुल सनसनाती हुई गाड़ी चला रहे, क्योंकि यहाँ की रोड भाई खाली मिल गई है, तो ऑफिस से काम निपटाने के बाद टेंशन फ्री होकर फिर भाई आपको ज्वाइन करते हैं। गाइस समय हो रहा है ठीक 7:10 गाइस, ठीक है, ऑफिस से हो गए फुर्सत, ऑफिस के काम से भाई हो गए फुर्सत। मैं बोल रहा था बहुत लंबा चल गया काम, बहुत लंबा भाई, कभी कभी समय लगता है तो 10-11 ही बज जाते, नहीं तो कभी कभी 2 घंटे में भी फ्री हो जाते। हमारी जिंदगी में समय का कोई ठिकाना नहीं है, काम का भी भाई कोई ठिकाना नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेरे को बाल कटवाने, तो भाई गाइस सुनो हम सोचे थे बाहर है, सुनो हम सोचे थे ऑफिस से फ्री हो जाएंगे जितने बजे भी, उसके बजे हम जाएंगे भाई पार्लर में बढ़िया बाल कटवाने, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी से लग रही है और बहुत ज्यादा बढ़ गए, घनघोर बढ़ गए भाई। पर पार्लर वाले भाई को फोन किए तो वो दिल्ली में है, परसों बोला ना आने को, परसों बोल रहा है कि आ जाएंगे, मतलब कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो समझे 1-2 दिन तो ऐसे ही बड़े बाल लेके घूमना पड़ेगा। लड़के तो बहुत सारे पर अपन उसके अलावा कटवाते नहीं, क्योंकि उससे समझ में आता, बाकी लोग कैसे थे हाथ कांपते अपनी कटिंग करने में, भाई साफ आ रहा धुंधला तो नहीं आ रहा ना, बढ़िया बढ़िया वीडियो अच्छी ठीक है गाइस। तो अब जो कटिंग वाला कार्यक्रम तो भाई हो गया है कैंसिल, अब यहाँ से भाई टोटल फ्री हो गए, अब अपन चलते हैं भैया सुनो मदन महल वाले मार्केट में, वहाँ से थोड़ा सा अपने घर से 1 किलोमीटर वाले मार्केट में अपन को बोरी उठानी है भाई 2-3 सामान की, तो वो चलते हैं वो सामान उठा के भाई रख देते लेते हुए घर चलते हैं, क्योंकि पानी बड़ा मेहरबान है तो समझो काम हो जाएगा ठीक है। पहले भाग लो जल्दी, पहले ही भाग लो, तो फटाफट भाई बाइक लेके हम आगे बाहर निकाल लिए, अब यहाँ से सीधे भाई घर प्रस्थाई मार्केट प्रस्थान करते और सामान लेते हैं और वहाँ से घर चलते हैं, वहाँ से घर चलते, अब बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं अपने पास। गाइस हम पहुंच गए अपने घर के पास के 1 किलोमीटर वाले मार्केट में, भाई साहब को सबसे पहले मिल गई भाई छाछ, तो भाई साहब बोला सबसे पहले छाछ ले लिया जाए भाई, क्योंकि इस समय बरसात में ना मिल नहीं रही है, तो वो बहुत मुश्किल होती मिलने में, कभी आती कभी नहीं आती, तो गाइस आज मिल गई है। 3 दिन से भाई साहब ढूंढ रहे थे, 3 दिन से भाई साहब ढूंढ रहे थे छाछ, पर मिल नहीं रही थी ठीक है, क्योंकि बरसात पता है छाछ खाने की पीने की बहुत इच्छा करती है। नहीं मेरे ख्याल से कंपनी ना छाछ बनाती नहीं बरसात में, 1 हफ्ता बनाती 1 हफ्ता नहीं बनाती, हाँ 4 पैकेट ले लिए हैं भैया। ये तो बताओ बोरी लाद के ले चलना है गाड़ी में, इसको पन्नी में रखवाना पड़ेगा ठीक है, चाल ले लो गाइस। क्या है अपन दूध तो अपन ने वहीं से खरीद लिया था मोहल्ले से, और मम्मी जी की दवाई भी ले ली भाई अपन ने आते समय ठीक है, सब काम निपटा देंगे आज। चलो आगे चलते गाइस, हम पहुंच गए भाई अनाज वाले सेक्शन में, हमें निकलवानी भाई चावल की बोरी, तो मैंने भाई को ऑर्डर दे दिया है, भाई अंदर गया है गोडाउन से मस्त फ्रेश शानदार चमकती हुई बोरी लेके आएगा, हल्की सी धुंधली रहती तो भाई हम नहीं लेते क्योंकि कपड़े गंदे रहते हैं भाई, चमकदार बोरी लो बढ़िया, अपने चावल की वैरायटी बता दिए, और भैया वो आटे के पैकेट भी देख लो फटाफट कौन से लेने ठीक है, तो वो सब भाई फटाफट ले ही लेते हैं, क्या जल्दी जल्दी काम निपटाएं फुर्सत हो जाए भाई, ज्यादा समय लगाएंगे तो और टाइम बीतता जाएगा। हाँ जाके नहाना धोना भी पहले सामान छाटो, इनको नहाना ही धोना भगा जाता है, सामान नहीं निकालने इनको मन नहीं लग रहा सर काम धाम में, सही बताएं सब जल्दबाजी मचा रहे हैं, बस हल्ला मचाते हैं, बोलो भैया जल्दी सामान निकालो, इधर उधर इधर उधर देखना चालू कर देते हैं, ये सामान कहाँ ये सामान कहाँ, अरे मेन पहले अपना सामान जो है वो तो निकालो भैया। पूरा सामान खरीद कर भाई लाकर घर में जमा दिए, उसके बाद गए मस्त शैम्पू लगा के 3 बाल्टी पानी से नहा धोकर भाई हो गए हैं फुर्सत, और आके बैठे भाई आराम से बिस्तर में, भाई साहब बोले छाछ पियोगे क्या, मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ, तो भाई आधा गिलास शानदार छाछ दे दिए,
और इनने भाई डकार मार के पी भी लिया जबरदस्त। अरे नहीं हमको दिए हैं भाई, इनने बोला मठा पियोगे तो कोई मना कर सकता है मठा पीने को? भी बोल सकते हैं नहीं भाई साहब हम नहीं पियेंगे आप पी लीजिए। बिल्कुल कम से कम हमें दो गिलास पी गए होते, इन्होंने कहा नहीं नहीं हम भी पियेंगे वो भी शक्कर में ला के हमने दे दो भाई, तो ये तो जबरदस्ती कहलाई ना? नहीं जबरदस्ती नहीं कहलाई भाई, ये तो स्वेच्छा से किसी ने दिया तो हमने उसको धारण कर लिया पीने के लिए ले लिया। भाई साहब ने नमक मिला के पिया, हम तो भाई चीनी प्रेमी है तो मस्त चीनी डाले आधा गिलास भाई छाछ पीते और आराम से पहले 10 मिनट थोड़ी सी पीठ सीधी करते भाई, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। गर्मा गर्म डिनर तैयार है और गरम गरम तपती हुई थाली भाई मेरे हाथ में है और आज बनाए भाई बहुत शानदार मस्त खाना। गाइस ये है भाई छाछ वाला कढ़ी पकौड़ा, बहुत शानदार खुशबू आ रही है, गर्मा गर्म चावल है, दो तले हरे मिर्चे हैं और भाई पूरी थाली तैयार है, मैं तैयार हूं तो फटाफट भाई चलते हैं और पूरा डिनर भाई फिनिश करते हैं। हे गाइस हो गई है बहुत रात, व्लॉग की करते भाई यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग तो बहुत अच्छा लगा होगा, तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कल एक नए व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।